हेलो गाइस, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपको टच पेन कैसे बनाना है इस वीडियो में आपको बताने वाले। इसमें आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, रुई होगी और एल्यूमिनियम होगी, तार हो गया, पेंसिल होगी, इसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है, किस तरीके से क्या बनाना है और आपके जो मोबाइल में कैसे वर्क करना है वो चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले। और ये भी आपको लाइव दिखाएंगे किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसमें तार लगाना है, एल्यूमिनियम लगाना है, जिससे कि आप भी एक टच पेन मोबाइल का बनाना सीख सके। और जो टच पेन बनेगा, आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो आप ये टच पैड बनाना सीख लीजिए। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंच सके, उस वीडियो को आप वॉच कर सके। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको पेंसिल चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम। अब ये बात आती है एल्यूमिनियम पट्टी मिलेगी कहाँ, जहाँ बर्गर वर्गर बेचते वहाँ ही आपको एल्यूमिनियम पट्टी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा पास आ जाइएगा तो उससे आपको और समझ में आएगा। ये रुई हो गई, ठीक है, ये रुई। उसके बाद एक ये तार, पतला सा तार उसमें लगाया जाता है, जिससे कि आप जब पकड़ेंगे उसकी थोड़ी सी अर्थिंग जो मान लो वो जानी चाहिए, जिससे कि मोन पे अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये रुई है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपकी पेंसिल है उसके बाद ये रुई दिख रही है, इसको आपको बिल्कुल ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। इसमें पतली से इस तरीके से आप पास आ जाइए, फिर आपको और अच्छे से बताते हैं। देखिए इस तरीके से आपको इस तरीके से लगाना, जिससे क्या होगी ये अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, ऐसे करके इधर और पूरे में इस तरीके से आप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये आपकी अच्छे से वर्क कर पाएगी। इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, इसको लगा देते हैं और उसके बाद आपको एल्यूमिनियम लगा देंगे। ये इतना हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना है, थोड़ा सा इस पर तार भी चला दें, जिससे कि ये देखिए पेंसिल थोड़ी नुकीली कर लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, देखिए आप देख लीजिए इतना हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये तार दिख रहा है, इससे ये क्या होगा कि हिले जुलेगा। ठीक, तो इसके बाद फिर आप एल्यूमिनियम लगा देंगे। ठीक है, हम इस तरीके से लगा दे रहे, आप देख लीजिएगा ऐसे करके क्या होगा, इससे फिर दिक्कत ये नहीं होगी कि आपकी रुई इधर उधर नहीं हो जाएगी। यहाँ तक ये हो गया है, लगा देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर एल्यूमिनियम की परत सी चढ़ा देना। इसको तार हम निकाल लेते हैं, ये रहा एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या करना है आपको इस तरीके से लगा देना। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल परत अच्छे से आपका करना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एल्यूमिनियम की परत लगने के बाद इस पर भी आपको इस तरीके से तार चढ़ा देना। ठीक है, थोड़ा ही चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको इसको हटा देते हैं। ये एल्यूमिनियम मिलेगी कहाँ वो हम आपको बता देते हैं। जो हमने आपको बताया, या तो 10 रुपये की पैकेट मिलता है वहाँ से आप ले लीजिएगा इसका, हमें तो थोड़ी ही ज़रूरत है। तो इस तार को इस तरीके से इसमें लगा दें, ठीक है, इस तरीके से, और आपका ये टच बन के तैयार। और आप इसका देखिए नीचे अच्छे से लगा दें, इससे क्या होगा कि आपकी फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आप तार, छोटा सा पतला तार होना चाहिए, और इस तरीके से आपका अच्छे से ये वर्क करना स्टार्ट हो गया। और रुई जो एल्यूमिनियम है थोड़ी सी रुई बाहर निकली नहीं है, निकली होनी चाहिए, इससे आपको मतलब ये होगा कि सही से इस पर भी आप लगा दें। ये आपका बनके तैयार हो गया है। अब आपको चलिए इसका इस पर टच करके दिखाते हैं, इसको यहाँ से आपको टाइट कर देते हैं और ये आपका टच पैन बनके तैयार। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना। और फिर नॉर्मली आप जब उस पर पेंसिल चलाएंगे, मतलब अपने जो बोर्ड पे उस पर चलाएंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, किस तरीके से वर्क कर रहा है वो चीज़ आपको और दिखाते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी जो रुई है उसको गीला कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ आपको ये कैसे वर्क करना वो चीज़ आप बताते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करिए। पेंसिल, रुई, एल्यूमिनियम और एक पतला तार, ये तीन चीज़ चाहिए और आपका घर बैठे टच पैन बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं आपको बनाकर दिखाई किस तरीके से वर्क कर रही वो चीज आपको और दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गए 6 हो गए, देखिए कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बना। और दूसरी चीज, जैसे आपने रुई को बाहर निकाला है, आप अच्छे से वर्क ना कर रही हो तो उसके ऊपर आप एल्यूमिनियम की परत मतलब बना दें तो और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने रुई बाहर दिखाई पेंसिल की, तो रुई को भी बिल्कुल एल्यूमिनियम से ढक दीजिएगा तो और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगा आपका ये टच पेन। देखिए जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, नॉर्मली आप लिख सकते हैं A+B का होल वर्क। ये अभी हाल आपको बना के दिखाया, और ये यही सेम चीज़ आपको जब आप 70-80 रुपये का पेन लेंगे तब वो देगा आपको टू, और वो ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि एक बार 10 रुपये का खर्च और आपका जो पेन है बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, A-B का होल वर्क। तो
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, नॉर्मल बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ाना चाहे नॉर्मल पढ़ा सकते हैं, जैसे एक्स अपॉन 2 प्लस, और इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स अपॉन 4, तो ये ऊपर जाएंगे, ये 4x प्लस के 2x अपॉन 8, इसको हल कर लो, ये 6x बराबर अपॉन 8, इसके बराबर हम जैसे मान ले रहे हैं 12 चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आपको समझा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे लगाना है। 6 दूनी 12, 2 बचे, और अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं इसको, और ये जो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं वो माइवी बोर्ड है। ठीक है, तो एक्स बराबर 8 दूनी 16 आ गया आपका उत्तर। देखिए कितने स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये टच पेन बनाना है, वो चीज़ हमने आपको बता दी। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ये आपकी पेंसिल है, आपकी पेंसिल, तो आप एल्यूमिनियम इसके ऊपर भी परत चढ़ा दें। ठीक है, नुकीली सी हमने आपको रुई दिखाई थी, रुई में जब वर्क ना करे तो आप उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दें, तो फिर और जो नोक होगी वो उसके ऊपर एल्यूमिनियम रहेगी, तो बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से वर्क करेगा। अब इसमें हम आपको क्या बताएं, सब तो चल रहा है, देखिए 4/5 बिल्कुल बहुत अच्छे चलाओगे तो और अच्छे से चलेगा, बस आपको थोड़ा सा पकड़ना आना चाहिए। 5 4 2 8 प्लस 30 हो गए अपॉन 10 हो गए, 38 हो गए अपॉन 10, देखो कितनी तेज भी चलाओ तब भी चला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको डिस्प्ले पर ये शो हो रही, इस तरीके से आपको बनाना होगा, जो भी फोटो शो हो रही इस तरीके से आपको बना लेनी है। ठीक है, वीडियो को आप, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।